गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल UPSC एंड PCS गुरु में। आज हम आपके लिए नए MCQs लेके आए हैं। ये कोई प्रीवियस ईयर से नहीं लिए हमने, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और कॉपी पेंसिल ले लीजिए, तभी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। आपको मैं बता दूं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, हिज राइटिंग हेल्प्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ ए मॉडर्न प्रोज स्टाइल इन बंगाली। सेकेंड ऑप्शन, ही ओपन द गेट्स ऑफ द संस्कृत कॉलेजेस टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट जो संस्कृत कॉलेजेस थे उनमें ओनली ब्राह्मण स्टूडेंट्स ही कर सकते थे पढ़ाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने गेट्स ओपन किए इन कॉलेजेस के, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं वो संस्कृत की शिक्षा ले सकें। ही लॉन्च्ड अ सक्सेसफुल मूवमेंट दैट लेड टू द पैसेज ऑफ हिंदू रीमैरिज विडो रीमैरिज एक्ट 1856। इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपके पास, आपको बता दी मैंने, ऑप्शन ए है 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आपका सही ऑप्शन रहेगा डी 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। द इंडियन कैपिटलिस्ट ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम एरिया वेयर द ब्रिटिश हैड कमर्शियल इंटरेस्ट। सेकेंड, द इंडियन कैपिटलिस्ट नेवर टुक एन एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंस। आपको बताना कौन सा इनमें से सही रहेगा। आपको बता दूं, इन दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। दे आर गवर्न बाई द प्रोविजन ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक रेगुलेशन एक्ट है ये, उसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। सेकंड, दे प्राइमरीली लेट टू बिग कॉरपोरेट एंड ग्रुप्स। ही ओनली बड़ी बड़ी कंपनियों को और ग्रुप्स को ही पैसे लेंड करते हैं, लेंड मतलब देते हैं ब्याज पर। दे कैन डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड अदर सिंपल थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बता दूँ, इनमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कोई भी बैंक है उसको ओपन करना है आपने तो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू ही आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ये सभी को देते हैं लोन, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनी को ही दे सकते हैं, छोटी कंपनी को भी दे सकते हैं, छोटे ग्रुप्स को भी दे सकते हैं। दे कैन डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड अदर सिंपली थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 1 और 3। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। नेशन के कॉमनवेल्थ के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द मेंबरशिप ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ डिपेंड ऑन फॉर्मली बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है। ए कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट दैट हैज़ विड्रॉ और वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रिज्वाइन। एक बार अगर कॉमनवेल्थ में से किसी को निकाल दिया तो वो दोबारा रिज्वाइन नहीं कर सकता है, ऐसा भी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत हैं, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मालदीव हैज़ रिसेंटली रिज्वाइन द कॉमनवेल्थ मोर देन 3 ईयर्स आफ्टर क्विट। तो मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसने क्विट कर दिया था कॉमनवेल्थ गेम से 3 साल पहले, उसने दोबारा से रिज्वाइन किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मंत्रम जतारा। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है इट इज़ ए ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली टू ऑनर द गॉडेस सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये कोई फेस्टिवल है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इट कैमोरेट्स द फाइट ऑफ द मदर एंड डॉटर समाका एंड सरालामा विद द रिंग रूलर अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। एंड थर्ड ऑप्शन इट वाज रिसेंटली ग्रांटेड द यूनेस्कोज इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी टैग। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है। तो इसमें आपको बता दूं मैं, हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द फेस्टिवल, ये फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेकंड भी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अदिकुनुल्लूर आर्कियोलॉजिकल साइट। सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये आपको बताना है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। सो इट इज एन आयरन एज अर्न बुरियल साइट। सेकंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यागी रिवर। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी सही है, इट इज आयरन एज अर्न बुरियल साइट। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि आयरन एज बुरियल साइट कौन सी है, अडिकुलानूर आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट प्रपोजेड टू सेट अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डेवलप 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज आइकॉनिक साइट्स म्यूजियम। ये 5 साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल साइट ने डेवलप किया है। पहली है राखी गिरी हरियाणा में है। सेकेंड हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में। तीसरी शिवसागर असम में। चौथी धौलावीरा गुजरात में। पांचवी अडिकुलानूर तमिलनाडु में। सो अडिकुलानूर लाइज इन द तूतुकुडी डिस्ट्रिक्स ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ एन आयरन एज अनबुरियल साइट दैट वाज फर्स्ट ब्रॉट बाय लाइट ड्यूरिंग अ हर्पाजार्ड एवोल्यूशन ऑफ जर्मन आर्कियोलॉजिकल साइट इन 1876। इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ थिमरापरानी रिवर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि कौन सी रिवर के किनारे है साइट। तो ये है थिमरापरानी रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा ये साइट्स देख लीजिए आप, राखी गिरी जो कि हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, सिवानसर जो कि असम में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और अदिचलानूर जो कि तमिलनाडु में है। इसके बारे में हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो CRA के बारे में है। दीज आर कंपनीज दैट रेट क्रेडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ अदर एबिलिटी टू पे बैक देयर इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट ऑन टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम डिफॉल्टिंग। सेकंड ऑप्शन दे प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। सो आपको बता दें इसमें से ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी सही रहेगी। दे प्रोवाइड क्रेडिट रेट ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। CRA जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये ओनली किसको देती है लोन, ओनली ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट ए सिंगल पर्सन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। द सर्वे अफर्म्स दैट डिस इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव्स CPSE परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड अनलॉक देयर पोटेंशियल टू क्रेडिट वेल्थ। सेकंड ऑप्शन एज अ
proportion of GDP, the expenditure on social services that registered a decrease of 1.5 percentage point during the period 2015-2016 to 2019-20. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगी। तो आपको बता दें इसमें से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वही सही है, सेकंड जो है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्टॉप करके थोड़ी देर स्टडी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। आपको बता दें पहला ऑप्शन है इट एम्स टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर इन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2018-23। सेकंड ऑप्शन द फंडिंग ऑफ द NIP विल बी जॉइंटली मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अलोन। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही रहेगी। सो इन इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट इसकी गलत हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं NIP के बारे में। तो NIP जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट प्लान अनेबल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली फॉर इन्हांसिंग, और इसका जो एम रहेगा वो क्या है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया वुड नीड टू स्पेंड 4.5 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बाई 2030। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूढ़ी दिहिंग रिवर समटाइम्स सीन्स इन न्यू रिसेंटली इज लोकेटेड इन। अभी अभी ये जो नदी है बूढ़ी दिहिंग रिवर, ये न्यूज़ में थी, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है रिवर। सो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ये है असम में। ठीक है, याद रखना ये अभी रिसेंटली है, तो आ सकते हैं ये क्वेश्चन सारे ही पेपर्स के लिए। ये रिवर्स है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ए स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न असम बुर्जी दिल्ली रिवर वाज फायर ड्यू टू ए लीकेज इन द अंडर वाटर ऑयल पाइपलाइन। सो अंडर वाटर पाइपलाइन थी इसके अंडर जो कि लीक हुई थी, तभी ये न्यूज में रही थी। कौन सी रिवर है, बुरी लिंग रिवर, और ये इसका नक्शा है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू घड़ियाल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द स्पीसीज इन एंडेमिक टू इंडिया अलॉन्ग द चंबल गिडबा एंड सन रिवर। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल क्लासीफाइज द स्पीसीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल्स। तो इसमें से आपकी जो आपका आंसर रहेगा बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं घड़ियाल के बारे में। आता है क्वेश्चन मध्य प्रदेश, ये है घड़ियाल्स, मध्य प्रदेश बिच रीगेन्ड द कोवेटेड टाइगर स्टेट्स लास्ट टैग लास्ट ईयर एंड एडेड अनदर फीचर इट्स कैप बाय एमर्जिंग ऑन द टॉप कोर्ट ऑफ घड़ियाल्स फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल दिस ईयर। एंड ये देख लीजिए आप एक बार, देयर आर 1255 1255 घड़ियाल्स इन द चंबल रिवर ऑफ मध्य प्रदेश एंड 255 इन द गंडक रिवर ऑफ बिहार। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च इनोवेशन एंड कंपिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग MSMEs। द स्कीम इज वन अमंग द इनिशिएटिव अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। सो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये आपकी सही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ अ मेजर ऑफ द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट एंड गेट राइड ऑफ हीट। अ रेज इन बॉडी टेम्परेचर फीवर शोज दैट बॉडी इज वर्किंग टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। सो आप बताना कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। तो इसमें से ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों सही हैं, इनमें से आप चेक कर लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 124 ए सेडिशन ऑफ IPC। जो फर्स्ट ऑप्शन है, द एक्ट ऑफ सेडिशन इंक्लूड इवन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हार्टर्ड बाई द विजुअल रिप्रेजेंटेशन और बाई साइंस। सेकेंड ऑप्शन, द एक्ट ऑफ सेडिशन शैल बी पनिश्ड बी इम्प्रूवमेंट फॉर लाइफ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो है वो आपकी सही रहेगी। आपको बता दूँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप यहाँ पे रुक के एक बार इसको 124 ए IPC सेक्शन को पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ सकता है एग्ज़ाम में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पहले इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं आप। 124 रिसेंटली अ सेशन कोर्ट ऑफ मुंबई रिजेक्टेड द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स बुकड अंडर सेक्शन 124 ए IPC अलॉन्ग विद 50 अदर। सो ये केस था मुंबई हाई कोर्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रेविटी अनोमैली। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट रेफर्स टू रीजन्स ऑन अर्थ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। सेकेंड ऑप्शन, इट रेफर्स टू द डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। सी ऑप्शन, इट रेफर्स टू द इंक्रीज वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। डी, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेल्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये जो फ्रेंड्स जो डी स्टेटमेंट है हमारी, ये सही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। द रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल स्पेसिफाइड। सेकंड ऑप्शन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज टू मेंटेन पॉलिसी स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। आपको बताना है फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट मतलब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज टू मेंटेन प्रिंस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के बारे में, विच वर रिसेंटली रिलेटेड टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन INSEAD, बोथ A&B, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, किसके साथ ये रिलेट किया है अभी रिसेंटली न्यूज़ में। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रिलेट किया है रिसेंटली न्यूज़ में। आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में था ये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो वाटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है हमारी जो सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, मिनरल वाटर कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड कंटेन लार्ज क्वालिटी ऑफ डिजॉल्व मिनरल सच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटाशियम। सेकंड, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रिमूव मिनरल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग प्रेशर टू पुश इट थ्रू स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं ये सही हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। तो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। द कमीशन वाज हेडेड बाई जस्टिस पी वेंकटा रामा रेड्डी एंड सेकंड, द कमीशन वाज सेट अप ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑल इंडिया जजिस एसोसिएशन केस 2017। तो बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट है वो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के बारे में सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही रहेंगी। ये आपने याद रखना, ये भी आ सकता है आपको कि सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है इसको किसने हेडेड किया, तो जस्टिस पी वेंकटारामा रेड्डी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो NHRC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। जो पहला, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, थर्ड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है बिल्कुल। सो इसमें आपको बता दूँ जो सभी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी ऑल ऑफ द ऑफ हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHCE के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड 100% बाई द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सेंटर की स्कीम है, 100% जो है वो यूनियन के द्वारा फंडेड की जाती है। द प्रोग्राम इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज एन बी सेड अंडर द UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड थर्ड, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपको बता दूँ इसमें से सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि इट इस फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड 100% फंडेड बाई यूनियन गवर्नमेंट। ऐसी कोई स्टेटमेंट कोई भी स्कीम नहीं है जो 100% सेंटर के द्वारा फंडेड की जाती है। इसमें कुछ शेयर रहता है, जैसे कि 75% जो है सेंटर की फंडेड रहती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट की। समझा गया आपको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज। सो पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान अभी अभी न्यूज़ में देखा गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। कहाँ देखा गया, मिडल ईस्ट ऑयल क्राइसिस, बी स्टेटमेंट US मैक्सिको रिफ्यूजी इशू, सी नोवल करोना वायरस रिस्पॉन्स प्लान एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपका जो ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द डी ऑप्शन सही रहेगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी इज ए विजन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड इजराइली पीपल। तो जो
पैलेटीनियन एंड इजरायली पीपल्स है उनकी लाइफ्स को सुधारने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, कॉमनली नोन एज ट्रंप पीस प्लान। ट्रंप का पीस प्लान है ये, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? ये देख लीजिए मैप, आप करंट मैप ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट CAS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? द CAS हैज़ द टास्क ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूटेड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। द सीट ऑफ CAS इज लोकेटेड इन द हेगू नीदरलैंड्स। इट इज़ प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसमें से जो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स है? पहला ऑप्शन, इट एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन ओनली टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 तक। एवरी फंक्शनल टैप कनेक्शन इज टू बी लिंक्ड विद द आधार नंबर्स ऑफ द हेड ऑफ द होल्डर। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 2024 तक इनका टारगेट है, और सभी जो भी टैप हैं, जो भी नल हैं, उनका जो भी लिंक करना है आधार कार्ड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बोट्सवाना। बोट्सवाना शेयर्ड बॉर्डर विद एंगोला एंड जाम्बिया। तो ये एंगोला एंड जाम्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सेकंड, इट इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन है, उनका घर है ये। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही रहेगी। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, ये लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन का घर है ये। आपने याद रखना क्या, बोट्सवाना। अभी भी रिसेंटली एलिफेंट्स के बारे में काफ़ी फैक्ट्स आए हैं सामने, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NGT के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? द ट्राइब्यूनल इज बाउंडेड बाई द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। सेकंड, द चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड, द ट्राइब्यूनल इज मैंडेटेड टू मेक एंड एंडेवर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ अप्लीकेशन और अपील्स फाइनेंशियली विद 6 months ऑफ फीलिंग ऑफ द सम। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है आपकी सही रहेगी। सो आपकी आप देख लीजिए, आपका जो सी है 2 and 3 स्टेटमेंट है ओनली जो कि सही है, बाकी आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सो चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंगुटेंस। सो देर आर 3 स्पीसीज ऑरेंगुटेंस, बोर्नियोस, इंडियंस, स्मेंथरन, ऑरेंगुटेंस। सेकंड ऑप्शन, ऑल दिस काइंड ऑफ ऑरेंगुटेंस आर लिस्टेड इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ IUCN। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो हम आपको बता दें इसमें से जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो सही रहेगी। ओनली जो आपकी बी
बी है सेकंड स्टेटमेंट, वो आपकी सही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। सो NSO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट विल बी क्रेडिटेड बाय मर्जिंग द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इट विल बी हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपको बता दें, इसमें ओनली जो पहली स्टेटमेंट है वो सही रहेगी, दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे आपको समझ स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरिक्योर रॉक पेंटिंग्स आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये किस स्टेट में पाई जाती है ये पेंटिंग, और अभी ये न्यूज़ में थी। आपको बताना है स्टेट का नाम। तो मैं आपको बता दूँ, ये तमिलनाडु में फाउंड की गई है पेंटिंग, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। और आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं इस पेंटिंग्स के बारे में। 5000 ईयर्स ओल्ड रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन द नीलगिरी फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है, तो पाई जाती है नीलगिरी फॉरेस्ट में। द सोसाइटी दैट पेंटेड द सिंबल ऑफ रॉक पेंटिंग कम्प्लीमेंटेजनेस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस पेंटिंग का सीधा जो संबंध है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेमडेसिविर इज अ एंटीवायरल ड्रग विच में हेल्प फाइट ऑफ कोरोना वायरस। इज ओरिजिनली डिजाइन टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये अभी भी रिसेंट न्यूज़ में दिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस ड्रग के बारे में। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है ये एंटीवायरल ड्रग, तो इसका ऑप्शन हम आपको बता दें। ये जो ड्रग है ये एबोला की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने याद रख लेना इस ड्रग्स के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन टेरिटरी समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो स्टार्ट एक जो ट्रीटी है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ये किन किन नेशंस के बीच में है? तो ये बता दें, USA और USSR के बीच में है ये ट्रीटी, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द स्टार्ट वाज अ बायलेटरल ट्रीटी बिटवीन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द लिमिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स। इट कैप्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियर बार हेडेड बेल बिलो कोल्ड वार लिमिटेड। रिसेंटली रशियन प्रेजिडेंट एक्यूज्ड US ऑफ स्टनिंग टॉक्स ऑन एक्सटेंडिंग द आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी विच एक्सपायर इन 2021। ये 2021 में एक्सपायर होने वाली है ट्रीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आ सकता है क्वेश्चन की ट्रीटी कब होगी एक्सपायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू रिकन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सेकंड ऑप्शन, ऑल मेंबर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर इलेक्टेड ओनली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो इसकी जो है फर्स्ट ए स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगी ओनली, सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है हमारी सही है? ऑप्शन देख लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर जियोग्राफिकली डेलिनेटेड एनवेल्प्ड इन विच रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड सेकेंड, द
स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 एनविसेज्ड की रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सपोर्टेड प्रोविजन एंड क्रिएशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड द प्रायर टू द टू देयर इंट्रोडक्शन इंडियन रिलाइड ऑन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विच फेल्स टू मेक ए इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना, तो डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑप्शन। ओपन मार्केट ऑप्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। सेकंड ऑप्शन, दीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस इन अ मैनर दैट बैलेंसेस इन्फ्लेशन व्हाइल हेल्पिंग बैंक्स कंटिन्यू टू लेंड। थर्ड स्टेटमेंट, आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपको बता दें जो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग है। सो आप यहाँ पे स्टॉप करके देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू असेस द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इंक्लूड वॉल टू वॉल फॉरेस्ट कवर मैपिंग इन द बाइनियल साइकिल। एंड थर्ड, ISFR 2019 इज़ द 10th रिपोर्ट ऑफ द सीरीज। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो आपको बता दें इसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, थर्ड स्टेटमेंट है जो आपकी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीट कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कॉटन वेराइटीज विच प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड टू बॉलवर्म। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेजिल कमर्शियल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू असेस द सेफ्टी ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड डिसाइड वेदर इट इज फिट फॉर कल्टिवेशन। थर्ड, सेल स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजेस ऑफ अनअप्रूव्ड GM सीड्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द रूल ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। सो आपको बता दूं मैं इसमें से जो हमारा बी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। एक बार एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिए। कॉटन इज जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO आर जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन वेराइटी विच प्रोड्यूस एंड इंसेक्टिसाइड टू बॉलवर्म। इन इंडिया इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग
अपरेज कम्युनिटी अंडर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू असेस द सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड डिसाइड वेदर इट इज फिट फॉर कल्टिवेशन लीगली सेल स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजेस ऑफ अनअप्रूव्ड GM seeds is punishable offense under the rule of Environment Protection Act. Also, sale of unapproved seeds can attracted actions under the Seed Action of 1966 and Cotton Act 1957. ठीक है, चलते हैं next statement की तरफ. Consider the following statement regarding complex volcano. कॉम्प्लेक्स वोल्केनो कंसिस्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स ऑफ टू और मोर वेंट्स और अ वोल्केनो दैट हैज एन एसोसिएटेड वोल्केनिक डेमो आइदर इन इट्स क्रेटर और ऑन इट्स फ्लैक्स इट डज नॉट रेज फ्रॉम द ग्राउंड एज ए डिस्टिंक्ट सिंगुलर डेमो बट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटो वोल्केनोस रिसेंटली इन फिलीपाइंस अ वोल्केनो कॉल्ड ताल एरप्टेड विच इज क्लासिफाइड एज अ कम्प्लेक्स वोल्केनो. आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. जिसमें से आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो जो सही रहेगी और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रहेगी गलत. ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया आपने ध्यान से. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन की. इन द फिलीपाइंस अ वोल्केनो कॉल्ड ताल ऑन द आइसलैंड ऑफ लुजोन 50 किलोमीटर फ्रॉम मैनीला. ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना मेन मेन चीज़ तभी आपको याद रहेगा. तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी. फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है. तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी वाज एडजस्टिकेटेड द रिक्वेस्ट बाई द इंडस्ट्री टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट लैंड एंड कमर्शियल एंड्स. सेकेंड, रिसेंटली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अप्रूव्ड अ स्कीम दैट कुड अलाउ फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटीज. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो इसमें से आपको बता दें कि फॉरेस्ट जो कमेटी है उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, ए एंड बी. ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो गया आपको. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पहले एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं. द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एन एपेक्स बॉडी टेस्टेड विद एडजस्टिकेटिंग रिक्वेस्ट बाई द इंडस्ट्री टू रेज फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल एंड्स हैज अप्रूव्ड अ स्कीम दैट कुड अलाउ फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटी. इफ इम्प्लीमेंटेड इट अलाउ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज. ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया आपको ये क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन बी रिकॉन्साइड्स एज अ नेशनल पार्टी. सो फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्टी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन थ्री पार्टीज. सेकेंड, अ पार्टी दैट विंस सिक्स सीट इन द लोकसभा विद कैंडिडेट्स फ्रॉम सिक्स डिफरेंट स्टेट्स. सी, ए पार्टी दैट रिक्योर्ड 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फोर स्टेट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस एंड विंस 5 सीट इन द लोकसभा. एंड डी, ए पार्टी दैट विंस 2 सीट्स each in 4 states at a general elections to the legislative assembly of those states. आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है.
तो इसमें से जो सी स्टेटमेंट है ओनली हमारी वो सही है। ए पार्टी दैट सिक्योर्ड 6% ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड इन 4 स्टेट्स इन द लोकसभा इलेक्शन एंड विंस 5 सीट इन लोकसभा। तो याद हो गया आपको फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कंस्टिट्यूंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी जो, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। इट वॉज सेट अप बेस्ड ऑन द प्रपोजल अंडर द माउंट बैटल प्लान। ये माउंट बैटल प्लान के प्रपोजल के अंडर थी। सेकंड ऑप्शन इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। थर्ड स्टेटमेंट इट्स मेंबर वाज चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। तो इसमें से जो सी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये माउंट बैटल का प्लान नहीं था। अब आप देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। इच हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 एज रिजेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडियाज ऑन 14 अगस्त 1947। इट्स मेंबर वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज रफली अलॉन्ग द लाइन सजेस्टेड बाई द प्लान प्रपोज बाई द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर मोशन इन द लोकसभा। सेंसर मोशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एबोल्यूशन इन द लोकसभा। सेकंड, इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो सही रहेगी। इट शुड स्टेट द रीजन फॉर द एडॉप्शन इन द लोकसभा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ट्रेडिशन आर एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है बैलेंसिंग द फीट ऑन द रिम ऑफ द ब्रास प्लेट। सेकंड, डांसिंग विद द पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। थर्ड, बेरिंग कलर मास्क बाय द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। आपको बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो आपको बता दें कुचिपुड़ी के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, बैलेंसिंग द फीट ऑफ द रिम्स ऑफ द ब्रास एंड सेकंड डांसिंग विद ए पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको। चलते हैं पहले इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। कुचिपुड़ी इज ए डांस ड्रामा परफॉर्मड इन आंध्र प्रदेश। इट इज़ द रूट ऑफ एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्सचर ऑफ नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र के अंडर आता है। इट वॉज डेवलप्ड एज द रिलीजियस आर्ट ऑफ लिंक टू ट्रेवल टेम्पल स्पिरिचुअल बिलीफ। द कुचिपुड़ी परफॉर्मेंट यूजली बिगिंस विद द इन्वोकेशन देन ईच कंटम्ड एक्शन इज इंट्रोड्यूस देयर रोल एंड दे आर परफॉर्म अ शॉर्ट प्रिलिमिनरी डांस। तो मेन आपने याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये डांस, वहाँ किया जाता है ये डांस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
जो लाहौर का सेशन हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस 1929 में हुआ था, ये भी याद रखना आपने कि लाहौर सेशन कब हुआ था। द सेशन वाज प्रेस्ड बाई मोतीलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वाज पास्ट। थर्ड ए न्यू ट्राइकलर फ्लैग फॉर फ्रीडम वाज अडॉप्टेड। सबको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपकी जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। स्टेटमेंट बंद वन, गांधी कम बैक टू एक्टिव पॉलिटिक्स एंड अटेंडेड द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1928। ही नो बिगिन टू कंसोलिडेट द नेशनलिस्ट रैंक द फर्स्ट स्टेप बाई टू रिकनसाइल द लेफ्ट विंग्स ऑफ द कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू बाज मेड द प्रेजिडेंट एट द हिस्टोरिक सेशन इन द लाहौर। जवाहरलाल नेहरू सेकेंड द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस गेव वॉइस टू द न्यू रेवोल्यूशन स्पिरिट ऑफ पूर्ण स्वराज एंड 1929 लाहौर सेशन न्यूली अडॉप्टेड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडियन फ्रीडम वाज अडॉप्टेड। सो समझ आ गया आपको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट सांघास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट सांघास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ओनली मैन वर अलाउडेड इन टू द सांघास। नंबर सेकंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ऑल मेंबर्स वर रिगार्डेड एज इक्वल। द डिसीजन ऑन डिबेटेबल सब्जेक्ट्स वर टेकन बाई एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसमें से ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी वो सही रहेगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑल मेंबर्स वर रिगार्डेड एज इक्वल। सो ये स्टेटमेंट है आपकी सही ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट के बारे में है। इक्का मूवमेंट द एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू फॉर्म हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट वाज ड्रॉन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ लैंड टेनेंट्स एज वेल एज स्मॉल जमींदार। थर्ड स्टेटमेंट, द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द नेशनलिस्ट लीडर्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। सो आपको बता दें कि इसमें से ओनली सी इसका सही रहेगा। ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी वो सही रहेगी। द मेंबर ऑफ द मूवमेंट वर ड्रॉन दे फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द लैंड टेनेंट्स एज वेल एज स्मॉल जमींदार। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द फीचर ऑफ नगारा टेंपल आर्किटेक्चर। नगारा टेंपल आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑप्शन, द एंटायर टेंपल इज बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेट्स विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। सेकंड, एंट्री टू द temple is led through huge and elaborate gateway. Third, the garbhagriha is always located directly under the tallest tower. So आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। सो इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट जो है वो सही है। याद रखना आपने फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए इस टेंपल के बारे में कहाँ पाया जाता है। ये बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर शेप साइज एंड टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर नगरा स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया।
द्राविड़ा स्टाइल इन साउथ इंडिया। ठीक है जी, याद हो गया आपको, नगरा स्टाइल होता है नॉर्थ इंडिया में एंड द्राविड़ा स्टाइल जो है साउथ इंडिया में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरह, ये देख लीजिए, नगरा स्टाइल एंड द्राविड़ा स्टाइल, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेसिबल इंडियन कंपेन। तो एक्सेसिबल इंडियन कंपेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो विलिड एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो इसमें से सी, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी, ये इसमें से सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इकोनॉमिक सेंसस। तो नेशनल इकोनॉमिक सेंसस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। द नेशनल इकोनॉमिक सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर एंड इज क्रूशियल फॉर फ्रेमिंग ऑफ पॉलिटिक एंड प्लानिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, रिसेंटली 7th इकोनॉमिक सेंसस of the Ministry of Statistics and Programming implementation was launched. Third, for the first time the entire census is being conducted on a digital platform by the use of an application. आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। जिसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 2 and 3 जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही रहेंगी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आप रुक के चेक कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कॉपी के ऊपर, इसको काफ़ी टाइम है आपके पास। एंड जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। इंडियाज बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज अ पार्टिकल्स फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन टू प्राइमरली स्टडी एटमोसफियर न्यूट्रिनोस इन अ डीप केव अंडर INO पीक नियर थैनिन इन तमिलनाडु। सेकेंड, इट इज़ द मेगा साइंस प्रोजेक्ट फुली फाउंडेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं एक बार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी। माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व स्प्रेइंग द बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ द व्हीकल एंड एनी अदर मशीन्स विद माइक्रोस्कोपिक डॉट्स विच गिव्स एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन लाइक बारकोड। सेकेंड, द माइक्रो डॉट्स आर ईजिली विजिबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 feet फ्रॉम द व्हीकल। एंड थर्ड, माइक्रो डॉट्स कैनॉट बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द व्हीकल इट सेल्फ। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। सो इसमें से जो बी स्टेटमेंट है वो सही है, ओनली जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आइए एक बार एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाई रूल फॉर फिक्सेशन ऑफ माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स ऑन मोटर व्हीकल्स एंड देयर पार्ट्स। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर सेड माइक्रो डॉट्स विल एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ व्हीकल। व्हीकल की सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे, व्हीकल की सिक्योरिटी के लिए लिखाए जा रहे हैं ये। द
invisible micro dots will now come affixed on vehicle and their part to prevent thieves and checked fake spare part. और इससे जो स्पेयर पार्ट है वो भी उसका पता लगेगा कि असली है या नहीं, और आपका व्हीकल भी चोरी नहीं होगा. माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व स्प्रेइंग द बॉडीज एंड द पार्ट्स ऑफ व्हीकल अदर मशीन विच माइक्रोस्कोपिक डॉट्स विच गिव्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. इट कैन बी रीड फिजिकली विद द माइक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफाइड विद द अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स. अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं. सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका इसी तरह प्यार हमें मिलता रहे. आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें. अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, 21 के लिए, और ये जो क्वेश्चन हैं ये हम किसी प्रीवियस ईयर से नहीं लिए, हमने ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस आने के काफ़ी ज़्यादा हैं. पुराने क्वेश्चन लोग पढ़ाते हैं, उनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत.